हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। एंड टुडे वी विल डिस्कस मोनोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, वाई वाइटल ऑब्जर्वेशन, हाउ डज मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज, इन सब के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज मोनोपोली। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच देयर इज ए सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट विच नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। एग्जाम्पल्स, रेलवे इन इंडिया आर ए मोनोपोली इंडस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ ए प्रोडक्ट इन द मार्केट द डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म्स इंडस्ट्रीज डिसअपीयर्स। जो मोनोपोली है, जिसमें मोनोपोली की बात, डेफिनेशन की बात करें, उसके कुछ हम बात करें मीनिंग की, तो जहाँ ऐसे एक सिंगल सेलर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेलर होगा, वो मार्केट मोनोपोली के नाम से जाना जाएगा। मोनो मोनो मीन सिंगल, पोली मीन सेलर, ये मीनिंग्स है। जो मोनोपोली टू वर्ड्स के साथ कंप्लीट होता है, तो मोनो प्लस पोली, मोनो मीन सिंगल एंड पोली मीन सेलर्स। फीचर्स ऑफ मोनोपोली, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अंडर मोनोपोली देर इज ए सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी, ही मे बी अलोन और देयर मे बी ए ग्रुप ऑफ पार्टनर्स और ए जॉइंट स्टॉक कंपनी और ए स्टेट, हाउएवर देर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर ऑफ द प्रोडक्ट्स। आप लोग खुद सोचिए, जब मार्केट में एक सिंगल सेलर होगा तो उसके बायर्स कितने होंगे, जिस चीज़, अगर जिसको भी जो कोई भी चीज़ खरीदनी होगी, उस सेलर के पास ही जाना पड़ेगा उसको, तो उसके पास जो चीज़ अवेलेबल होगी वो उसी को देगा, मन चाहे जैसी प्राइस पे देगा। और रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। अंडर मोनोपोली देर आर सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन टू द मोनोपोली इंडस्ट्री। जनरली देर आर पेटेंट राइट और एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर टेक्निक ऑफ और रॉ मटेरियल। सिंग फर्म के लिए एंट्री नहीं है, अदर फर्म से जो न्यू फर्म से उनके लिए नो रेस्ट्रिक्शन होती है एंट्री, क्योंकि पेटेंट के थ्रू होता है इसमें जो एंट्री हो, पेटेंट राइट्स के थ्रू, और एक्सक्लूसिव कंट्रोल रखते हैं टेक्निक्स के और रॉ मटेरियल के ऊपर। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ए मोनोपोली फर्म्स प्रोड्यूस ए कमोडिटी दैट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। एग्जाम्पल, देर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ रेलवे एज ए बल्क कैरियर। बल्क कैरियर की बात करें इंडिया में, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स कोई है ही नहीं है इंडिया में इन रेलवे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। बीइंग ए सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, ए मोनोपोलिस्टिक हैज फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइज। ए मोनोपोलिस्टिक दस इज ए प्राइज मेकर, ही कैन फिक्स वॉट एवर प्राइज ही विशेज टू फिक्स फॉर हिज प्रोडक्ट। जो भी फुल कंट्रोल होता है प्राइस पे, जिस प्रोडक्ट के ऊपर जो वो प्राइस रखना चाहेगा वो रख सकेगा, वो डिसाइड कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर सकता है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज कर सकता है, फुल कंट्रोल रहता है प्राइस के ऊपर। नाउ नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ए मोनोपोलिस्टिक मे चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर, इट इज़ कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर फॉर द सेम गुड्स। प्रोडक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, मोनोपोली में एक जो सेलर, सिंगल सेलर होता है, वो किसी भी बायर को कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्राइस पर बेच सकता है, और उससे किसी से उसी प्रोडक्ट के प्राइस किसी से अलग चार्ज कर सकता है, किसी से अलग चार्ज सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस। जैसे कि आप, उसका कोई रिलेटिव आया दुकान पे, तो वो कहेगा दे दे कुछ भी दे दे, अपन छोटी सी बात करते हैं, दे दो कुछ भी दे दो। और अननोन कस्टमर आता है उसके पास, अननोन बायर आता है, तो बोला नहीं इसकी प्राइस इतनी है, इतनी ही रहेगी। ऐसे होता है ना मार्केट, हम लोग देखते हैं, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कुछ। एक वाइटल इन्फो ऑब्जर्वेशन की बात करें आप, फुल कंट्रोल ओवर प्राइज अंडर मोनोपोली डज नॉट मीन दैट द मोनोपोलिस्टिक कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी एट एनी प्राइज। वंस द मोनोपोलिस्टिक फिक्स से
price of the commodity, quantity demanded will entirely depend upon the buyers. At a higher price, quantity demanded will be low and vice versa. कोई जैसे जो कहते हैं ना कि मोनोपोलिस्ट मोनोपोली में कोई भी प्राइस ज़्यादा चार्ज कितनी भी चार्ज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक फिक्स ये एक लिमिट तक ही चार्ज कर सकता है मोनोपोली, जो मोनोपोलर होगा वो कोई भी जो एक ही फिक्स प्राइस एक से एक लिमिट तक ही फिक्स हायर प्राइस चार्ज करता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई प्राइस हायर करेंगे तो उसकी डिमांड गिर जाएगी। अकॉर्डिंगली देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज एंड क्वान्टिटी सोल्ड बाई द मोनोपोली फर्म, दस डिमांड कर फेसिंग ए मोनोपोली फर्म स्लोप्स डाउनवर्ड्स। जो प्राइज और क्वान्टिटी की जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है मोनोपोली में। अगर प्राइज ज़्यादा बढ़ा दी है तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइज कम कर दी है तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये एक जैसे डिमांड कर्व की बात हमने डिमांड जब पढ़ी थी तो मैंने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें डिस्कस किया था, वहाँ भी प्राइस और क्वांटिटी में जो रिलेशन था वो अपोजिट रिलेशनशिप था, इनवर्स रिलेशनशिप था। तो यहाँ भी मोनोपोली में ही प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, और जो स्लोप होगा वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, लेफ्ट टू राइट। अब बात करूँ मैं, हाउ डज ए मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज, कैसे एक मोनोपोली की जो बात करें, कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात और करें, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। जो मोनोपोली फर्म होती है उसको लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है, क्योंकि आसपास कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं होता है, इस वजह से प्राइज वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मीन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। नो मोबिलिटी इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई किसी टाइप की मोबिलिटी नहीं होती है। ए आर एंड एम आर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो ए आर एम आर कर्व होते हैं, जो हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस बताया था एम आर कर्व को, तो वो अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे ए आर एम आर कर्व। तो ये डिस्कस किए हमने फीचर्स। अब हाउ डज ए मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज, कि मोनोपोली की जो मार्केट स्ट्रक्चर होगा वो कैसे अराइज हो सकता है। गवर्नमेंट लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट कंट्रोल, द गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी ओनली टू वन प्रोड्यूसर। अकॉर्डिंगली मोनोपोली कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, ऑल्सो द गवर्नमेंट में डिसाइड टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज, एक्चुअली थ्रू इट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग लाइक रेलवेज इन इंडिया। गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट के कंट्रोल के थ्रू ही मार्केट में मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज हो सकता है। नाउ पेटेंट राइट्स, न्यू प्रोडक्ट में सिक्योर पेटेंट राइट्स, इट्स अमाउंट टू मोनोपोली राइट्स रिगार्डिंग द शेप डिजाइन और अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। लाइकवाइज पेटेंट राइट्स मे बी सिक्योर्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स प्रोवाइडेड्स द यूज ऑफ पेटेंट टेक्नोलॉजी बाय अदर, अकॉर्डिंगली मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अमर्ज। पेटेंट राइट्स की बात करें तो पेटेंट जिस, अगर कोई आपने देखा होगा कोई भी नई चीज़ डिस्कवर होती है उसका पेटेंट हो जाता है, तो हम उसको बिना उस पेटेंट होल्डर के परमिशन के बिना उसको नहीं यूज कर सकते, उसको सेम नहीं बना सकते उसके। तो पेटेंट राइट वही हो सकता है, जैसे किसी ने नई टेक्नोलॉजी डेवलप की और वो टेक्नोलॉजी केवल और केवल एक कंट्री के पास है। तो अभी कोरोना चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोरोना की अगर कोई किसी ने वैक्सीन बनाई है तो उसने उसका पेटेंट करा लिया है, तो उस चीज़ को वैक्सीन का कोई भी यूज नहीं कर सकता बिना उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की परमिशन के। तो ये डिस्कशन थे पेटेंट राइट्स के। कार्टेल्स, इट्स रेफर टू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाई ए ग्रुप ऑफ फर्म्स विद ए व्यू ऑफ अवॉइडिंग कंपिटिशन एंड सिक्योरिंग मोनोपोली कंट्रोल ओवर द मार्केट। कार्टेल, जब बहुत सारे जो मार्केट में अगर फर्म्स है वो आपस में एक ग्रुप बना लेती है कि एक कार्टेल्स फॉर्मेट कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं आपस में जो मार्केट के कॉम्पिटिशन उसको कम करने के लिए, तो मोनोपोली अराइज हो सकती है। तो हम कार्टेल की बात कर रहे थे, तो कार्टेल में
कार्टल में जो ग्रुप बना लिया जाएगा कंपटीशन को रिमूव करने के लिए, तो आपस में सब कंपनी एक ग्रुप बना लेती है तो उससे कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा और सारी जो कंपनियां होंगी आपस में प्राइस डिस्कशन के बेसिस पर प्राइस डिटरमिनेंस करेंगी और प्राइस फिक्स कर दी जाएगी, इतनी प्राइस हमें लेनी है, तो कार्टल फॉर्मेशन के थ्रू फिक्स प्राइस कर दी जाएगी, तो उसके बेसिस पर ये मोनोपोली जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो अराइज हो सकता है। नाउ नेचुरल ऑकरेंस, मोनोपोली में इमर्ज एज ए नेचुरल ऑकरेंस, द ओनली स्प्रिंग ऑफ वाटर इन एन आइसलैंड फॉर एग्जाम्पल मे बी अंडर द कंट्रोल ऑफ वन पर्सन हु एक्सरसाइजेज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ वाटर विदाउट एनी कॉम्पिटिशन। अगर कोई नेचुरल किसी पास, जैसे किसी आइलैंड की बात करें, उस आइलैंड पर वाटर का रिसोर्स, वाटर का जो रिसोर्स है उस पर किसी एक पर वन पर्सन का कंट्रोल होगा, तो वो वन पर्सन का कंट्रोल है तो उस पर वो प्राइजेज कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकता है उस आइलैंड पे। तो इस तरीके से नेचुरल, जब किसी का अधिकार नेचुरल चीज़ों पे एक किसी का अकेले पर्सन का राइट्स हो जाता है तो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज हो जाता है। तो ये सब बातें की हमने इसके ऊपर, नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं इसी के ऊपर हाँ एक छोटी सी बात और कर लेते हैं इसमें हम। तो जब मैं छोटी सी बात करता हूँ उसमें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर होता है। देखो जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मैं आप बता चुका हूँ कि जब एक कोई भी मोनोपोली फर्म एक ही प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग कस्टमर से, अलग अलग बायर से अलग अलग चार्ज करती है तो इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। तो इसका बेस होता है एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल वाइज हो सकता है, टाइम वाइज हो सकता है, डे वाइज, पीक लोड एंड पीक ऑफ टाइम बेसिस, क्वांटिटी बेसिस हो सकता है। नाउ इसकी कुछ कंडीशंस होती है, तो कंडीशंस की बात करें, कंडीशन होनी चाहिए एक तो मोनोपोली की कंडीशन की मोनोपोली ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एटलीस्ट टू मार्केट होने चाहिए, एक डोमेस्टिक मार्केट एक इंटरनेशनल मार्केट, जिसे डंपिंग को यूज करेंगे इसमें। नाउ इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड बी डिफरेंट, कस्टमर की जो इनकम है वो डिफरेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इलास्टिसिटी शुड बी डिफरेंट, इलास्टिसिटी होनी चाहिए मार्केट की, वो अलग अलग होनी चाहिए, एक तो लेस देन वन होनी चाहिए, ग्रेटर देन वन होनी चाहिए। नाउ नो रीसेल कंडीशन, रीसेल की कंडीशन नहीं होगी कोई भी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, ये सब ये सारी की सारी कुछ कंडीशंस होंगी जिसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशंस है कि इसके बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अब पीगू थ्री डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करूँ मैं, पीगू ने थ्री डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताई है। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वन डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें जो मोनोपोली फर्म होगी वो कस्टमर का जितना भी मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस को रिसीव करना चाहेगी, कंज्यूमर के पास कुछ भी सरप्लस शेष ना रहे, जितना भी उसके पास सेव बच रहा है वो जितना भी वो सबको अपने आप के लेना चाहेगी। मतलब प्राइस इस तरीके से रखेगी कस्टमर के पास किसी भी तरीके का सरप्लस नहीं बचे। नेक्स्ट डिग्री की बात करें, टू डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में पीगू ने बताया है कि जो कस्टमर के कुछ जो सरप्लस है उसका एक पार्ट को ही कंपनी जो मोनोपोली फर्म होगी वो लेना चाहेगी, कुछ एक पार्ट को ही। जैसे कि कस्टमर के पास 10 रुपीज़ अगर सरप्लस बच रहे थे किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने पर, तो कंपनी इस तरीके से प्राइस रखेगी तो वो सरप्लस उसका कुछ ही पार्ट उस सरप्लस का कंपनी गेट कर पाएगी। नेक्स्ट इज थ्री डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या है, इसमें मार्केट डिवाइडेड बाय डिफरेंट बेसिस पर, मार्केट को डिवाइड किया जाएगा कुछ डिफरेंट बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर, एरिया के बेसिस पर, देन टेक्स कंज्यूमर सरप्लस अकॉर्डिंग टू डिवाइडेशन। मार्केट में जो मोनोपोली फर्म होगी कस्टमर के डिवाइडेशन के, इनकम के बेसिस पर, एरिया के बेसिस से डिवाइड करके उसका जो सरप्लस होगा उसको कंज्यूम करेगी कंपनी। तो पीगू ने ये तीन डिग्री बताई है, वन डिग्री, टू डिग्री और थर्ड डिग्री।
पहले वाली डिग्री में तो क्या कस्टमर के पूरे के सरप्लस को जो लेना चाहेगा कंपनी एंड मोनोपोली कंपनी, एंड नेक्स्ट टू डिग्री में तो कुछ एक पार्ट ही कंज्यूम करेगी कंपनी, वो मोनोपोली फर्म एक ही कुछ पार्ट सरप्लस का कुछ एक पार्ट लेना चाहेगी। थर्ड डिग्री में उसको प्राइस मार्केट को अलग अलग से उसमें डिफरेंट बेसिस पर डिवाइड किया जाएगा, देन उसके सरप्लस को वो लिया जाएगा। मैं एक और छोटी सी बात करूँ, उसमें मोनोपोली पावर को मेजर करने का एक लर्नर ने इंडेक्स बताया था, लर्नर इंडेक्स इक्वल टू पी, पी मीन्स प्राइस माइनस एम सी डिवाइडेड बाय पी, पी मीन्स प्राइस, एम सी मीन्स मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा फॉर्मूला, और ए आर माइनस एम सी डिवाइडेड बाय ए आर, ए आर मीन्स एवरेज रेवेन्यू, जिसे प्राइस भी कहा जाता है। तो ये डिस्कस किए। ओके बच्चों, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों।